मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है। उनकी करीबी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपनी राह अलग कर ली है। मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद संतोष सुमन ने कहा कि नीतीश कुमार हमारा अस्तित्व ही खत्म करना चाह रहे हैं। हम पार्टी के चार विधायक हैं, क्या लगाए जा रहे हैं कि जीतन राम रांची एनडीए में शामिल हो सकते हैं। संतोष सुमन पिता जीतन राम मांझी के साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात करने गए थे। बातचीत के बाद इस्तीफा दे दिया है। संतोष सुमन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री थे। 23 तारीख को पटना में विपक्षी एकता की बैठक है, इसमें 18 पार्टियां शामिल हो रही हैं। उसके पहले जीतन राम मांझी का महागठबंधन से अलग होना बड़ी बात है। जदयू कोर्ट से मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि हमारे नेता ने जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था, इसे लोग आते जाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि पद से इस्तीफा देना झटका नहीं है, यह हम पार्टी का फैसला है कि वह कैबिनेट में नहीं रहेंगे। लोग कई तरह की बातें करते रहते हैं, 2015 में भी कई बार इधर उधर हुए थे, फिर लौट कर आए। शक्ति यादव ने बिना नाम लिए पूर्व सीएम के बारे में कहा कि वो उन्हीं लोगों के पास जाना चाहते हैं जिन्होंने उनके मंदिर जाने के बाद से उसे धुलवाया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।